प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान ना हुए तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ ना होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहे, सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती, एक कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान मालवाहक ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी, फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स फैक्ट्रियों में जा सकेंगे। हमने यह भी तय किया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे, 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे, केवल मार्गदर्शन के लिए छात्र वहां जा पाएंगे। हमने प्रदेश के सभी जिलों में 21 नवंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयोजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने वाले समय में विवाह में या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या शहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे। हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहल्ले या कॉलोनी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो वो मोहल्ला या कॉलोनी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। मैं अपने प्रिय बहनों और भाइयों से, बेटे बेटियों से यह अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनों के लिए, अपने देश के लिए कोरोना की हर गाइडलाइन का पालन करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।